पूरे देश भर में महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के खिलाफ कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने 7 दिनों के भीतर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की भी बात कही। कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यहाँ पे जिला कांग्रेस कमेटी ने ये बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और सर्वविदित है कि जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें रोज किश्तों में बढ़ाई जा रही है, 70 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपये, और पिछले 15 दिनों में सैकड़ा पार कर चुका है पेट्रोल, डीजल सैकड़े पे पहुंचने वाला है और 1000 से ऊपर गैस सिलेंडर हो गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सुनियोजित ढंग से चुनावों तक इन्हें रोका रखा था और अब ये जो मन मर्जी से इसे बढ़ाया जा रहा है, किसानों को, बागवानों को टी डालकर चले गए, और यहाँ के हमारे प्रतिनिधि जो मंत्री, विधायक, उन्होंने एक भी शब्द कुल्लू अस्पताल में कमी डॉक्टरों की जो है उसके ऊपर नहीं कही सार्वजनिक तौर पे, और क्योंकि सार्वजनिक यहाँ पे मंच लगा हुआ था, वह उनका 2 दिन का यहाँ पे कार्यक्रम था, तो आप देखिए कितना ज़्यादा अन्याय कुल्लू के साथ हो रहा है। सारे पुल हमारे बंद पड़े हैं, भूतनाथ का हो या सब्जी मंडी का हो बुंतर, और उसके साथ में यहाँ पे सारी जो है पर्यटन की, एडवेंचर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ सिर्फ कुल्लू में बंद पड़ी है। और जब जब मैं विधानसभा में ये कुल्लू से भेदभाव की बात उठाता हूँ तो मुख्यमंत्री जी गिदड़ धमकियाँ देकर मुझे धमकाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत मुझे हास्यास्पद लगती है कि मुझे कुल्लू की जनता ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ भेजा हुआ है, वो हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। वो जो भी उनके मंसूबे हो, वो क्या करना चाहते हैं, अब उनका जो है पिछले 4 सीटों के हारने के बाद, लोकसभा और 3 विधानसभा हारने के बाद वो बौखलाहट में हैं, और आज मैं देख रहा हूँ कि पड़ोसी राज्यों में कुछ मिली जीत की वजह से वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि पहले अपने घर की जो स्थिति है, उनके घर में पूरे का पूरा जन आक्रोश सरकार के खिलाफ है, बागवान प्रताड़ित है, किसान प्रताड़ित है, युवा प्रताड़ित है, कर्मचारी प्रताड़ित है, और जिस प्रकार से भर्ती घोटाले या IPH में हो रहे हैं और बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, हम चेतावनी देना चाहते हैं अफसरशाही को कि वे इन घोटालों में शामिल ना हो, वरना आने वाले दिनों में बहुत सख्त कार्रवाई उन पे होगी, और लचर कानून व्यवस्था है उसे लेकर भी रोष है। मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 हफ्ते का हमने अल्टीमेटम दे दिया कुल्लू के हॉस्पिटल के ऊपर, अगर कुल्लू में डॉक्टर नहीं लाए गए तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, पूरा कुल्लू जाम किया जाएगा, और जिसकी जिम्मेवार ये सरकार खुद होगी। ये सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आपके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं, और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है, और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी को क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है minervaeducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएं, ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पर शुरू